हम अर्ज करते हैं, अर्ज ये है अल्लाह का अर्ज है, फिर डीसी साहब का गया अर्ज है हमारा, बच्ची हमको वापस लेना और बशीर को छोड़ना, ये अर्ज है, अर्ज का साथ में बोलती हूँ। हम भी बीमार, मुझे हार्ट का बीमारी है, आपको देखो ना आंख में, आंख में गाश भी नहीं, ये क्या हो गया, ये अल्लाह का कार आ गया, माँ बशीर ऐसे तरह पकड़े, उसके लिए कार शायद तो कुछ नहीं किया था, चोरी उसने किया था नहीं किया था, और कुछ नहीं, अपना मजदूरी कर लिया गया है, ऐसे तरह वो पकड़े, इतना किधर से कार आया, बच्चों को देखो ना, गौरव सर जी क्या क्या अर्ज है, हाँ हम हाथ बद है, पहले सवाल उसका गए अल्लाह का गए, पीछे हाथ गवर्नर का, बशीर को भी छोड़ना, बच्चे को भी छोड़ना, ये बस हमारा अर्ज है, अर्ज ये तो देखो घास नहीं और हमको हार्ट है, हम क्या करेगा, हम अर्ज करता है अर्ज। तमाम जम्मू कश्मीर के अहले अकाम जो बड़े अफसरान इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, तो उन सब से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि कल से जो हमारे बशीर साहब 2 साल से बंद हुआ है और अब उनकी इन बच्चों की माँ भी गुजर गई है, तो काफी मुश्किलात हो रहे हैं, तो कल से हम डीसी साहब ने और कुछ मैडम ने हमारे बच्चों को यहाँ से लेकर तो हमें बंद रखा उन बच्चों को, तो उनसे ज्यादा हमारे पूरे इलाके को सदमा पहुंचा, क्योंकि एक तो वो बच्चे खुद भी परेशानी के हालात में इस टाइम गुजर रहे थे, तो दूसरा उन बच्चों को अभी बंद रखा गया है, और तमाम जम्मू कश्मीर के उन बड़े ये मेंबरान जो भी लीडर इस टाइम है, खास करके डीसी साहब गवर्नर साहब से कि हमारे बच्चे हमें वापस दिया जाए, जब तक कि वो बच्चों का हालात थोड़ा सुधर ना जाए, फिर उनकी जो हम तो चाहते है कि उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, वो पढ़े लिखे, मगर इस टाइम वो बच्चे काफी परेशानी के हालात में है और वो बच्चे यहाँ से हमें लेकर हमें वो बच्चे बंद रखे गए हैं, तो आज भी हमारे ये बशीर का भाई चला गया था वहाँ पे, तो उनको बच्चों से मुलाकात करने कल रात से नहीं दिया गया, पता नहीं उन बच्चों को किस कमरे में कहाँ पे बंद रखा गया है, तो एक तो वो बच्चे सब दुनिया ने देख लिया है कि वो छोटे बच्चे है, तो अभी हमें हमारे बच्चे फिलहाल चाहिए और बशीर साहब की रिहाई हमें चाहिए। मेरा नाम रशीद अहमद खान है, बशीर का भाई, बशीर 2 साल से जेल में बंद है, बेगुनाह बंद है, पुलिस में सबको हाथ जोड़कर, मैं डीसी साहब को भी हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि मेरे भाई बेगुनाह है, वो अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता है, उसको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए, अगर बशीर ने ये काम किया होता तो गाड़ी में तो उसका फोटोज होता, फोटोज उसका गाड़ी में नहीं है, किसी का गाड़ी से चुरा कर पता नहीं क्या किया, बशीर को साजिश के फंसाया गया है, तो उसकी जो वाइफ थी वो भी डेथ होगी, मार गई, तो उसका कुछ सहारा नहीं है, अगर उसने ये काम किया होता तो उसका ये हालात नहीं होता जो शर्म में रह रहे हैं। कल मैडम आई थी, उसने बच्चों को क्या कि उनकी जान को खतरा है, खतरा तो अल्लाह ने अगर उसको मौत दिया होता तो इधर ही दिया होता, तो खतरा उधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, मैं कल रात पे वहीं था, बच्चों से मैंने रात को मिलने नहीं दिया उन लोगों ने, क्योंकि लड़कियों के अलग कारखाना था, लड़कियों का अलग कारखाना था, एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग में मैं बैठ कर था, वहां से लड़कियां बोल रही थी कि पुलिस हमें पापा के पास जाना है, हमें अपने घर जाना है, उन्होंने नहीं छोड़ा, सुबह सवेरे उन लोगों ने बोला गांधरबल जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, वहां से लिख कर लाओ कि हम बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन डीसी ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जब तक हम डीसी ऑफिस नहीं है, वो डीसी साहब नहीं है, तो डीसी साहब गए कुछ मीटिंग पे, डीसी साहब आएगा, डीसी साहब के साथ हम बात करेंगे, फोन नंबर मेरा लिया तो बोला मैं फोन करूंगी, मैडम ने कहा तो शाम तक मैं फोन करूंगी, अगर माना तो कल हम छोड़ देंगे, बच्चे को अपने साथ में रखूंगा इंशाल्लाह, जब तक बाप आएगा तब तक मैं अपने साथ रखूंगा बच्चों को, 400 कमाता हूं लेकिन मैं आधा करके उनको खिलाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा उनको भी, एक तीन बच्चे उनका कुछ नहीं रहेगा इधर। अब आप किसे जज साहब से गवर्नर साहब से कर रहा हूँ कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, मेरे जल्दी जल्दी मेरे भाई छोड़ दिया जाए।